गाइस देखिए हमारा जो बायोगैस है वो ओवन में भी जल रहा है, देखिए कितना अच्छे से जल रहा है। हेलो गाइस, यूट्यूब पे आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बायोगैस बनाना दिखाते हैं। तो गाइस वो लोग जो बायोगैस बनाते हैं ना वो अच्छा खासा वर्क कर जाता है, लेकिन वही चीज वही प्रोसेस हम लोग जो घर पे ट्राई करते हैं ना वो कंप्लीट नहीं होता है। तो गाइस पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया और भर भर के कमेंट किए थे कि एक बायोगैस बनाकर दिखाएं। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग एक बायोगैस बनाकर दिखाएंगे, वो भी ए टू जेड फुल प्रोसेस इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना होगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑल पर क्लिक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस बायोगैस बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ये 10 लीटर का जो वाटर बॉटल है ना, हम लोग इस बॉटल को हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा है। इस बॉटल के अंदर का जो ये जो ढक्कन है ना, इस ढक्कन को हम लोग सबसे पहले खोल लेंगे और इस ढक्कन के ऊपर हमारे पास जो ये सोल्डरिंग आयरन है, इस सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम लोग इसे छेद कर देंगे पूरा मिडिल से। देखिए हम लोग पूरा छेद कर दिया है और हमारे पास जो ये जो सिलाइन का पाइप है, हम लोग इस सिलाइन का पाइप को हम यूज कर रहे हैं और ये जो सिलाइन का पाइप है आप लोगों को कोई भी मेडिसिन शॉप पे पूरा आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। सिलाइन पाइप को हम इस ढक्कन के ऊपर कुछ इस तरह से लगा देंगे और देखिए किस तरह लगा दिया है। और इसके अंदर जो एयर लीकेज ना हो सके इसीलिए हम लोग ग्लूगन की मदद से हम इस तरह एयर लीकेज को बंद कर देंगे। तो गाइस बायोगैस बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ हम लोग ये जो गोबर है देख रहे हो, इतने सारे गोबर को हम लोग यूज कर रहे हैं और इतने सारे गोबर के अंदर हम लोग पानी डालकर हम लोग एक मिक्सर बनाएंगे। और इस गोबर को हम इस लकड़ी के मदद से हम लोग एक अच्छे खासा एक घोल बनाएंगे ताकि एक लेयर हो सके। तो गाइस हमारा गोबर का घोल जो है ना किस तरह रेडी हो चुका है, देखिए इस घोल को हम लोग बॉटल के अंदर डाल देंगे। गोबर के साथ साथ हमारे घर में जो सब्जियां खाते हैं, इस सब्जी को जो छिलका है ना, इस छिलका को देखिए इतने सारे छिलका है, इस छिलका को हम लोग इस गोबर के टैंकी के अंदर हम लोग डाल देंगे धीरे धीरे करके। हमारा गोबर गैस का बोतल पूरा रेडी हो चुका है बायोगैस बनने के लिए। तो गैस इसे हम पहले इस तरह इसका ढक्कन लगा देंगे अच्छे से ताकि अंदर का जो एयर है ना वो बाहर ना निकले, और इसे हम पूरा सील कर देंगे ग्लूगन की मदद से ताकि अंदर का जो एयर है ना बिल्कुल भी बाहर ना निकले। गाइस हमने इस बॉटल को पूरा ग्लूगन की मदद से पूरा सील कर दिया है। आप लोगों को एक ही चीज़ ध्यान रखना होगा, ये जो अंदर का जो एयर है ना बिल्कुल भी लीकेज ना हो। तो गाइस इस बॉटल को हमने पूरा 4-5 दिन रखेंगे, देखेंगे ये जो गोबर गैस है किस तरह तैयार होकर आता है। तो चलिए मिलते हैं 5-6 दिन के बाद। गाइस हमारा जो गोबर गैस का बॉटल है पूरा रेडी हो चुका है। हमने इस बॉटल को पूरा और पूरा 7 दिन इस बॉटल को इसी तरह रखा है। तो गाइस इसके अंदर जो गोबर का गैस है ना पूरा रेडी हो चुका है। तो गाइस इस बॉटल को हम लोग इस तरह दबा रहे हैं, देखिए दब नहीं रहा है, पूरा अंदर से इस बॉटल पूरा टाइट हो चुका है, मतलब इसके अंदर बायोगैस पूरा रेडी हो चुका है। तो गाइस अभी इसके अंदर हम लोग इस पाइप के जरिए हम लोग आग लगाकर देखेंगे इसके अंदर कितना गैस तैयार होकर आया है। तो चलिए गाइस देखिए हमारा जो बायोगैस कितना प्रेशर के साथ आग जल रहा है। गाइस 7 दिन रखने के बाद हमारा जो बायोगैस किस तरह तैयार होकर आया है, देखिए वो अभी जल रहा है कितना। तो गाइस इस तरह आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा होगा। तो गाइस इस आग को हम ओवन में लगाएंगे और देखेंगे ओवन में ये जल पाता है नहीं। तो चलिए
गाइस हमारा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना। तो मिलते हैं अगला नया वीडियो में, तो बाय बाय।